काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर सर्च करने के बाद एक सॉफ्टवेयर मिला है लोगो बनाने के लिए, तो आज इस वीडियो में मैं आपको उस सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, मैं जिस सॉफ्टवेयर की बात कर रहा था उसका नाम है सोर्टिंग लोगो मेकर। चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये सॉफ्टवेयर की दो खास बात ये है कि ये सॉफ्टवेयर से लोगो बनाना काफ़ी आसान है, और दूसरा इसमें काफ़ी सारे रेडीमेड लोगो बना के दिए हुए हैं। हम चाहे तो उसको मॉडिफाई करके अपना एक लोगो बना सकते हैं। उसके लिए हमें करना होगा, यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर पर क्लिक करना होगा, उसके ऊपर न्यू फ्रॉम टेम्पलेट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर काफ़ी सारी कैटेगरी के टेम्पलेट दिए गए हैं, जैसे कि बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन, फैशन, लेटर बेस, काफ़ी सारे लोगो ऑलरेडी बना के दिए हुए हैं। हमें करना कुछ नहीं है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपने यूट्यूब चैनल या फिर अपनी वेबसाइट या कोई बिजनेस के लिए एक लोगो बना सकते हैं। मैं इनमें से एक लोगो को मॉडिफाई करके आपको बता दूंगा। चलिए मैं इनमें से ये लोगो सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर ABC और yourwebslogan.com से एक लोगो बनाया हुआ है। मैं यहाँ पे अपनी चैनल के लिए एक लोगो बना दूंगा। उसके लिए मुझे करना होगा, यहाँ पे ए के जगह मैं बी डाल दूंगा, यहाँ पे बी की जगह मैं एन लिख दूंगा, और सी की जगह टी डाल दूंगा। अगर आपका कोई स्लोगन है तो वहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे सिंपल अपने चैनल का नाम लिख दूंगा, टिप्स ट्रिक्स। इसको मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूं। अब मुझे इस लोगो में इफेक्ट, 3D इफेक्ट डालना है, तो यहाँ पे काफी सारी इफेक्ट्स उन्होंने दी है, तो मैं ये इफेक्ट इस लोगो के अंदर मैं डाल दूंगा। उसके लिए मुझे यहाँ पे टी को सिलेक्ट करना होगा, और यहाँ पे मैं ये इफेक्ट सिलेक्ट कर देता हूँ। दूसरी इफेक्ट भी मैं डाल दूंगा, ये इफेक्ट डाल देता हूँ। अब ये टी जो है थोड़ा 3D जैसा इफेक्ट हमें करेगा। इसको एन को भी मैं वही इफेक्ट डालने वाला हूँ। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, दूसरी इफेक्ट ये है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। वैसा मैं टी में भी कर दूंगा, टी को सिलेक्ट करना है, ये इफेक्ट और दूसरी ये इफेक्ट डाल देगा। देखिए, अब ये 3D इफेक्ट जैसे लेटर हमें दिखाई दे रहे हैं। अब इसको मुझे सेव करना है, लेकिन सेव करने से पहले यहाँ पे काफ़ी सारी स्पेस जो है अंदर दी गई है, उसको मुझे सबसे पहले कम करना होगा। उसके लिए यहाँ पे कॉन्फिग पे जाना होगा। कॉन्फिग पे जाते ही यहाँ पे डिस्टेंस टू बॉर्डर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे 0 से मैं सेट कर दूँगा। यानी कि अब जो ये लोगो है उसकी साइज़ जो है वो इतनी है। अब इसके आजू बाजू जो स्पेस थी वो कम हो गई है, तो ये लोगो जो है आपका बनके तैयार हो गया है। अब हमें इसको सेव करना है। सेव करने के लिए हमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे जाना होगा, यहाँ पे एक्सपोर्ट इमेज पे क्लिक करना होगा। सेव करने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, लेकिन मैं फॉर पब्लिश पे क्लिक करके साइज़ तो मैं इमेज की साइज़ वही रखूँगा, फॉर्मेट है वो मैं PNG रखता हूँ, और यहाँ पर मैं ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड और बिना ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड से हम अपना लोगो जो है सेव कर सकते हैं। मैं ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे जो वाइट स्पेस थी वो निकल जाएगी, और ये लोगो जो है वो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ सेव हो जाएगा। अब सेव करने के लिए यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करना होगा, और मैं अपना लोगो जो है वो मैं यहाँ पर मैं सेव कर लेता हूँ। अब उसको कोई नाम दे दीजिएगा, मैं यहाँ पे सिंपल 1 नाम लेके उसको सेव कर लेता हूँ। अब ये जो हमारा लोगो है वो सेव हो चुका है। अगर रेडीमेड लोगो का यूज करके आप अपना लोगो बनाना नहीं चाहते हो, तो इसमें काफी सारे शेप रेडीमेड दिए गए हैं। यहाँ पे राइट साइड के ऊपर आप क्लिक करोगे, इस बॉक्स के अंदर काफी सारे कैटेगरी के अलग अलग शेप उन्होंने दिए है, तो उनमें से आप किसी एक को सिलेक्ट करके आप अपना लोगो बना सकते हो।
जैसे कि मैं ये एक सिंबल है, इसके अंदर आप कलर अलग अलग कलर डाल के या फिर इसके अंदर टेक्स्ट डाल के आप अपना एक लोगो बना सकते हो। काफी सारे शेप है, जैसे कि ये एनिमल है, स्पॉट कैटेगरी भी इसमें दी गई है। अगर कोई स्पॉट का बिजनेस है तो आप इनमें से कोई एक लोगो सिलेक्ट करके, एक शेप सिलेक्ट करके इसका लोगो बना सकते हो। मैं आपको एक लोगो बना के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे चलिए ये शेप में सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं अपनी चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए ही एक लोगो बना देता हूँ। उसके लिए मुझे यहाँ पे टेक्स्ट इसके अंदर डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टी, और उसको मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे इसको मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे रख देता हूँ। उसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, बोल्ड कर लेता हूँ। मुझे दूसरा भी टी चाहिए तो मैं इसका डुप्लीकेट यहाँ से बना लूंगा। उसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ और एक और डुप्लीकेट ले लेता हूँ मैं इसका। लेकिन मैं इसको हटा के एन लिख दूंगा। मैं उसको यहाँ पे रख देता हूँ। अब मुझे इसका कलर है वो चेंज करना है, तो उसके लिए मुझे नीचे कलर का जो बॉक्स है वो दिया गया है, उसमें से मैं ये इसको वाइट कर देता हूँ। इसको भी मैं वाइट करता हूँ और एन को भी मैं वाइट कर देता हूँ। चलिए मैं इसको 3D इफेक्ट इसके अंदर डाल देता हूँ और मैं इसका भी मैं कलर चेंज कर देता हूँ। इसके अंदर जो शेप दिया है उसको तो मैं डार्क ब्लू कर देता हूँ। अब मैं इसको 3D इफेक्ट डाल देता हूँ। सभी लेटर को मैं यही इफेक्ट डालने वाला हूँ। अब ये जो मेन शेप है उसके अंदर भी मैं इफेक्ट वही 3D डालने वाला हूँ। अब देखिए ये लोगो जो है वो तैयार हो गया है, और इधर की जो स्पेस है वो मैं कम कर लेता हूँ। कॉन्फिग पे जाके डिस्टेंस टू बॉर्डर 0। देखिए ये थोड़ा सा बाहर आ रहा है तो मैं इसको 5 पे कर देता हूँ। अब ये लोगो जो है मेरा बन गया है और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। एक्सपोर्ट पे जाके एक्सपोर्ट इमेज करके फॉर पब्लिश और ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पे क्लिक किया है, एक्सपोर्ट कर दूंगा मैं। यहाँ पे 2 नंबर से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो इस तरह हम काफी सारे लोगो है, ये तो मैंने एग्जांपल के लिए बनाया है, तो जल्दी जल्दी से बनाया हुआ है। अगर आप थोड़ा सा समय निकाल के बनाओगे तो काफी अच्छा लोगो आप अपने चैनल या अपनी वेबसाइट या अपने बिजनेस के लिए बना सकते हो। और अभी तो फीवर नाम की एक वेबसाइट है, उसके ऊपर लोगो बना के आप बेच भी सकते हो, $5 से $10 तक की इनकम भी हो जाती है। तो ये सॉफ्टवेयर मेरे लिए काफी अच्छा है, तो आप भी इसको यूज कीजिए और इंटरनेट से डाउनलोड करके आप उसको यूज कर सकते हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल है जो सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। वंदे मातरम, जय हिंद।